नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने फिर अटकलें बढ़ा दी है। अब कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के बाद पुणे में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल होते ही सियासी विवाद का नया दौर शुरू हो गया, तो उधर प्रदेश में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एकनाथ खड़से के बीजेपी में फिर शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच पुणे जिले के शिरूर तालुका के शिकरापुर इलाके में एक कंपनी के ठेकेदार का अपहरण कर मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने फिर अटकलें बढ़ा दी है। अब कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। हालांकि शिंदे इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से भी मुलाकात की थी। बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं ने संभावित कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे ने शाह को 5 अक्टूबर को होने वाले दशहरा रैली के लिए आमंत्रित किया है। शिवाजी पार्क में रैली की इच्छा जता रहे शिंदे कैंप को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली की इजाजत मिली है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के गुटों को लेकर जारी विवाद पर भी चर्चा की। इधर शिंदे ने ट्वीट के जरिए बताया कि दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान राज्य में विकास समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी बीच शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर लंबे समय से जारी तनाव पर विराम लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले गुट को रैली की इजाजत दे दी है। बागी गुट की तरफ से इस याचिका के खिलाफ आवेदन दिया गया था। अब खबर है कि शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के बाद पुणे में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पीएफआई के 35 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में ले लिया। बुंद गार्डन पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि पीएफआई के 35 से 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की अगुवाई में गुरुवार को पीएफआई पर कार्रवाई की गई थी। इस चरमपंथी इस्लामी संगठन के 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक देश में कथित रूप से आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पीएफआई के विरुद्ध 15 राज्यों में 93 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। एनआईए ने दावा किया है कि पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं के ठिकानों पर की गई देशव्यापी छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों में बेहद संवेदनशील सामग्री मिली है, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया है। कोच्चि में विशेष एनआईए अदालत में सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया है कि इस चरमपंथी इस्लामिक संगठन ने युवाओं को लश्करे तैयबा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए बरगलाया। महाराष्ट्र की राजनीति की अलग शैली है। यहाँ सियासी घमासान, तानाक्षी, छिंटाक्षी, तंच का अपना स्थान है। अब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल होते ही सियासी विवाद का नया दौर शुरू हो गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। दरअसल श्रीकांत शिंदे के सीएम कुर्सी पर बैठने की तस्वीर राकांपा प्रवक्ता रविकांत वारपे ने वायरल की थी। इसमें सांसद शिंदे अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी है और उनके नीचे एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसे लेकर वारपे ने श्रीकांत को महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए पूछा है कि ये कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े होकर उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जब ये फोटो वायरल हुआ तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उसे रीट्वीट करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम की कुर्सी का मजाक बना दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने और अधिकारियों को आदेश देने के लिए माफी मांगने को कहा।
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच एकनाथ खड़से के बीजेपी में फिर शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी सांसद रक्षा खड़से ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमित शाह और एकनाथ खड़से के बीच फोन पर बात हुई थी। इस खबर के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या एकनाथ खड़से फिर भाजपा में शामिल होंगे। अब खड़से ने इन सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि एक ही घर में दो लोग अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही है। इतना ही नहीं, एकनाथ खड़से ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। वे बोले कि अमित शाह गृह मंत्री है, इसीलिए उनसे फोन पर बात हुई। वही खबर है कि एकनाथ खड़से और अमित शाह के बीच बैठक होने वाली थी, लेकिन अमित शाह के बिजी शेड्यूल के चलते ये मीटिंग नहीं हो पाई। रक्षा खड़से ने बताया कि इसीलिए उनकी अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई थी। खड़से और शाह के बीच फोन पर क्या बात हुई, इसे लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि खड़से ने लंबे समय तक भाजपा के लिए जलगांव में पुरजोर तरीके से काम किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से एकनाथ खड़से बीजेपी से नाराज हो गए और अंत में उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया। पुणे जिले के शिरूर तालुका के शिकरापुर इलाके में एक कंपनी के ठेकेदार का अपहरण कर मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान महेश जगताप के रूप में हुई है। आरोपी सांसवाड़ी से कंपनी के एक ठेकेदार को अगवा कर सुनसान जगह ले जाकर लकड़ी के डंडे से उसे पीटा, फिर जान से मारने की धमकी देकर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज किया था। वही मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी 4 महीने से खुलेआम घूम रहा था और राजनीतिक लोगों के नाम पुलिस को बता रहा था। पुलिस की टीम ने अब महेश जगताप को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के एक ठेकेदार फूल सिंह यादव 4 मई 2022 को कंपनी से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण किया। आरोपी उन्हें सुनसान जगह पर ले गए और गाली गलौज करते हुए लकड़ी के डंडों से पीटा। इन लोगों ने ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देते हुए उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस घटना को लेकर फूल सिंह की पत्नी रेवती यादव ने शिकरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि फूल सिंह यादव मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और काम के सिलसिले में पुणे में रहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में हुई 20 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। तो प्रयागराज के महुआईमा इलाके में मंगेतर के सामने एक लड़की से छेड़खानी और अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाने और वायरल करने वाले दबंगों की हेकड़ी पल भर में गुम हो गई। घर पर बुलडोजर पहुंचते ही आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। वही सीमांचल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब वे बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे। तो उधर अखबार में विज्ञापन के जरिए एक जिंदा शख्स ने बताया कि उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया। इसी बीच अंकिता हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा है। उसने गेस के साथ सोने से इनकार कर दिया था। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली जल बोर्ड में हुई 20 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसमें बताया गया है कि 20 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी में जल बोर्ड के अधिकारियों के अलावा निजी कंपनी एवं बैंक भी शामिल रहा है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर गड़बड़ी में शामिल जल बोर्ड के अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की रकम को वापस हासिल करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल सचिवालय सूत्रों ने बताया कि ये एक अनोखा घोटाला है, जिसमें लोगों से लिया गया पानी का बिल जल बोर्ड की जगह एक निजी बैंक खाते में भेजा गया। जून 2012 में दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को 3 साल तक पानी का बिल एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद 2016 एवं 17 में भी उन्हें इस काम को जारी रखने के लिए कहा गया। 2019 में जब इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, तब भी उनके पास ये अधिकार जारी रखा गया। बैंक ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलीभगत कर तय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी को बिल एकत्रित करने एवं उसे दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए 10 अक्टूबर 2019 को पता चला कि यहां काफी गड़बड़ी हुई है। 11 जुलाई 2012 से लेकर 10 अक्टूबर 2019 के बीच रुपये जमा कराने में 20 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। प्रयागराज के महुआईमा इलाके में मंगेतर के सामने एक लड़की से छेड़खानी और अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाने और वायरल करने वाले दबंगों की हेकड़ी पल भर में गुम हो गई। घर पर बुलडोजर पहुंचते ही आरोपियों ने सरेंडर कर लिया। मामले में 3 युवक आरोपित बताए गए हैं। वायरल वीडियो की लखनऊ तक गुंज पहुंच चुकी है। काफी संख्या में पुलिस और बुलडोजर गांव पहुंचा तो आरोपियों के घरवाले सकते में आ गए। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी।
बुलडोजर से एक आरोपित के घर की दीवार को खरोंच लगी थी कि घबराई कि आरोपी माशूक ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी जिक्रिया के घर की ओर बुलडोजर मोड़ दिया। आरोपी के घर वाले बौखला कर इधर उधर भागने लगे। अंत में जिक्रिया से फोन पर पुलिस की बात कराई गई। उसने पुलिस से कहा कि वो रात में थाने में हाजिर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ तीसरे आरोपी वसीक के साथ हुआ। वसीक के घर वालों ने भी किसी प्रकार उससे संपर्क साधा। फोन पर बात में वसीक ने बताया कि वो पुणे भाग गया है, वापस आकर सरेंडर कर देगा। इसके बाद फोर्स बुलडोजर लेकर थाने लौट गई। तीनों आरोपी सिसई सिपाह गांव के पड़ोसी है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि वीडियो संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगाया गया है। मामले में बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीमांचल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब वे बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे। बीजेपी अपने दम पर 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अमित शाह ने बिहार में सीएम फेस को लेकर अपनी स्थिति साफ की। किशनगंज में बीजेपी की बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्ण बहुमत हासिल करना है। अमित शाह ने किशनगंज में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में शाह ने कहा कि नीतीश के विश्वासघात पर काबू पाने का एकमात्र उपाय ये है कि बीजेपी आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करे। अगर हम 2024 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शाह ने स्पष्ट किया कि बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती से भरा काम है, मगर समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें राज्य में 72,000 से ज्यादा बूथों पर संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही सभी सांसदों और विधायकों को सूबे की सभी 243 विधानसभा सीटों को टारगेट करना होगा। अखबार में छपा एक विज्ञापन इन दिनों इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है। आप भी हैरान होंगे कि आखिर किसी न्यूज़पेपर में छपे एडवर्टाइजमेंट में लोगों को इतनी क्या दिलचस्पी हो सकती है। यूं तो हर दिन अखबारों में हजारों विज्ञापन छपते होंगे, लेकिन इसकी बात कुछ निराली है। दरअसल इस एड के जरिए एक जिंदा शख्स ने बताया है कि उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया है। लोग इस बात से हैरान है कि आखिरकार किसी जीवित व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, और अगर गलती से बन भी गया तो उसके खो जाने की सूचना किसी अखबार के विज्ञापन में कैसे छप सकती है, जबकि एडवर्टाइजमेंट छपवाने वाला शख्स खुद ये दावा कर रहा है कि उसने अपना ही मृत्यु प्रमाण पत्र खो दिया है। असम के होजाई जिले स्थित लामडिंग के सिमुलताला के रहने वाले रंजित कुमार चक्रवर्ती ने ऐड दिया है। इसमें लिखा है कि मैंने अपना डेथ सर्टिफिकेट खो दिया है। 7 सितंबर को लामडिंग बाजार में सुबह करीब 10 बजे ये मुझसे खो गया। इसके साथ ही उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम भी लिखा है। साथ ही विज्ञापन में उनका पूरा पता दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस विज्ञापन को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। कई सारे मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस शख्स ने स्वर्ग से अपना डेथ सर्टिफिकेट खोने की सूचना दी है। कुछ यूजर्स ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें खोया हुआ डेथ सर्टिफिकेट मिल भी गया तो उसे देने के लिए कहां जाएंगे। अंकिता हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा है। एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अंकिता भंडारी की नहर में धक्का देकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गेस्ट के साथ सोने से इनकार कर दिया था। वारदात को अंजाम रिसोर्ट के मालिक ने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर दिया। रिसोर्ट का मालिक हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। आज सुबह अंकिता का शव चीला नहर से बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने शव की पहचान की। इससे पहले देर रात रिसोर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए SIT जांच का आदेश दिया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी तो थाने में भी धाव बोल दिया। पुलिस ने बताया कि गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली श्रीकोट पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी पुत्री वीरेंद्र सिंह भंडारी 18 सितंबर से लापता थी। 19 सितंबर को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदगी की दर्ज कराई। DM पौड़ी ने बीती 22 सितंबर को मामला लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर किया। सुयाल ने बताया कि आरोपी अंकिता पर रिजॉर्ट में रुकने वालों से संबंध बनाने का दबाव डालते थे। अंकिता के इनकार पर विवाद हुआ। 18 सितंबर की रात आरोपियों ने शराब पीने के बाद अंकिता को मार डाला। चीन के सोशल मीडिया से लेकर कई अपुष्ट खबरें हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर चीन में सैन्य तख्ता पलट कर दी गई है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के 77वें सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है।
वहीं हांगकांग ने आज घोषणा की कि वो कुछ सख्त यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है, जिससे निवासियों और व्यवसायों को राहत मिलेगी। तो उधर ईरानी महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचे, इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर लगाए इंटरनेट प्रतिबंधों में ढील दे दी है और उसके बाद एलन मस्क ने इंटरनेट एक्टिवेट करने की घोषणा कर दी है। इस बीच अमेरिका शेयर बाजार में उठे बवंडर की कीमत दुनिया भर के अरबपतियों को झुकानी पड़ रही है। दुनिया के टॉप 70 अरबपतियों की दौलत में बड़ी गिरावट आई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन के सोशल मीडिया से लेकर कई अपुष्ट खबरें हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजर बनकर चीन में सैन्य तख्ता पलट कर दी गई है। वही चीन का बाकी दुनिया से नहीं के बराबर संपर्क है, लिहाजा चीन में इस वक्त क्या हो रहा है इसकी भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन चीनी सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिख रहे हैं कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कोरोना संकट के बाद से ही शी जिनपिंग पिछले 2 सालों से चीन से बाहर नहीं निकले थे और पहली बार वो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वैश्विक नेताओं से हुई थी। लेकिन पुतिन के अलावा किसी और नेता से उनकी द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई और अब ऐसी रिपोर्ट है कि शी जिनपिंग को नजरबंद कर लिया गया है। वैश्विक मीडिया को पता नहीं है कि शी जिनपिंग के घर पर उनके साथ क्या हो रहा है। खबर है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष सोंग पिंग को मनाकर सेंट्रल गार्ड ब्यूरो का नियंत्रण वापस अपने हाथों ले लिया है। आपको बता दें कि CGB का उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों और अन्य CCP नेताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। CGB चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है और अलग CGB पर किसी और का नियंत्रण हो गया तो इसे सैन्य तख्तापलट ही कहा जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के 77वें सत्र में भारत में अल्पसंख्यकों और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणियों को लेकर अपने राइट टू रिप्लाई का प्रयोग किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक मजीटो विनिटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाई। विनिटो ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया था, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तानी PM को करारा जवाब दिया है और विनीतो ने ये कहा है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों की संख्या में युवा महिलाओं को SOP के रूप में अपहरण कर लिया जाता है तो हम अंतर्निहित मानसिकता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस प्रतिष्ठित सभा का मंच चुना है। उन्होंने अपने ही देश में कुकर्मों को छिपाने और भारत के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा किया है, जिसे दुनिया अस्वीकार्य मानती है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि एक राज्य जो दावा करता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वो कभी भी सीमा पार आतंकवादियों को प्रायोजित नहीं करेगा। हांगकांग ने आज घोषणा की कि वो कुछ सख्त यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है, जिससे निवासियों और व्यवसायों को राहत मिलेगी। हांगकांग ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य होटल क्वारंटाइन के नियम को खत्म कर दिया है, जिसके बाद यात्रियों को अब क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हांगकांग ने 2.5 साल बाद इस प्रतिबंध को समाप्त किया है। शहर के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा कि यहां आने वाले सभी यात्रियों को विमान पर सवार होने के 48 घंटे पहले की निगेटिव PCR जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब उन्हें विमान में सवार होने से 24 घंटे पहले की निगेटिव एंटीजन जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। ली ने कहा, हमें विश्व से जुड़ने के लिए अधिकतम तरीकों के इस्तेमाल की इजाज़त देनी होगी ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सके और आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम कर सके। अनिवार्य होटल क्वारंटाइन जैसे प्रतिबंधों का हांगकांग की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इसने वित्तीय केंद्र को दुनिया से अलग थलग कर दिया। वही शहर के कई हिस्से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पिछले 2.5 वर्षों से हांगकांग ने कड़े कोविड नियमों का पालन किया है। हांगकांग द्वारा प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने के बाद चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए लंबे समय तक क्वारंटाइन रखता है। ईरान में महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है और इस्लामी कट्टरपंथी शासन के खिलाफ पूरा देश सुलग रहा है। महिलाएं अब सिर्फ हिजाब से ही छुटकारा नहीं पाना चाहती है, बल्कि उनका गुस्सा अब कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ फूट पड़ा है। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में युवा पीढ़ी का जो गुस्सा फूटा है, उसे कुचलने के लिए ईरान का कट्टर इस्लामिक शासन बर्बर तरीकों को आजमा रहे हैं, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है।
लेकिन ऐसा लगता है कि अपना हक लिए बगैर इस बार महिलाएं अपने घर जाने वाली नहीं है। वहीं ईरानी महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचे, इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर लगाए इंटरनेट प्रतिबंधों में ढील दे दी है और उसके बाद एलन मस्क ने इंटरनेट एक्टिवेट करने की घोषणा भी कर दी है। एलन मस्क ने कहा है कि वो इस्लामिक गणराज्य में अपनी कंपनी की स्टारलिंक उपग्रह सेवा को एक्टिवेट कर रहे हैं। बता दें कि ईरान की मोरल पुलिस की कस्टडी में 22 साल की युवती महसा अमीनी की संदिग्ध मौत के बाद ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दिनों दिन ये विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन कम से कम 80 से ज्यादा शहरों में किया जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में उठे बवंडर की कीमत दुनिया भर के अरबपतियों को चुकानी पड़ रही है। दुनिया के टॉप 70 अरबपतियों की दौलत में बड़ी गिरावट आई है। सबसे बड़ी कीमत टेस्ला के CEO एलन मस्क को चुकानी पड़ी है, तो वहीं भारत के गौतम अडानी को भी तगड़ा नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत $245 बिलियन है और उन्हें $9.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पर काबिज भारत के गौतम अडानी की दौलत $3.5 बिलियन घटकर $142 बिलियन पर आ गई है। अमेजोन के CEO जेफ बोजेस को $3.72 का झटका लगा है और उनकी कुल दौलत $137 बिलियन है। वो दुनिया के तीसरे सबसे रईस अरबपति बने हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत $1.77 बिलियन कम हो गई है और वो $85.2 बिलियन दौलत के साथ 9वें सबसे रईस अरबपति बने हुए हैं। अरबपतियों की दौलत में गिरावट की वजह अमेरिकी शेयर बाजार का क्रैश होना है। दरअसल फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने और भविष्य को लेकर भी संकेत दिए जाने से निवेशकों में डर का माहौल है। इस वजह से बीते कारोबारी दिन इंडेक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज S&P 500 और नेस्डैक कंपोजिट में 2% या इससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।